चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भारत माता की इनकलाब वंदे। मेरे प्रिय साथियों, इस संघर्ष में हम लोग कई साल से जुड़े हुए हैं, साथ में 5 साल सरकार को पूरे होने को आए। एक तरह से हम लोगों के लिए ये बहुत ही इमोशनल यात्रा भी रही है। आज सुबह हम लोगों ने 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया पूरी दिल्ली के अंदर। उद्घाटन में बहुत गरीब जनता आई हुई थी वहाँ पे, और मैं सोच रहा था वो बहुत खुश थे। मैं तो एक ही मोहल्ला क्लिनिक में गया था, लेकिन उसी वक्त जब मैं एक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहा था, उसी वक्त पूरे दिल्ली के अंदर 100 मोहल्ला क्लिनिक का साथ साथ उद्घाटन हो रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि इन मोहल्ला क्लिनिक की वजह से जनता को कितनी सहूलियत होने लगी है। अब पड़ोस में ही मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, जितनी छोटी मोटी बीमारी हो, झुग्गी झोंपड़ी में, कच्ची कॉलोनियों में, जहाँ जहाँ गरीब जनता रहती है, और गरीब तो छोड़ो, अब तो एक दिन मैं ग्रेटर कैलाश में गया था, ग्रेटर कैलाश की RWA मेरे को कहती है जी आपसे एक ही डिमांड है, यहाँ पे हमारे यहाँ 2 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दो। दिल्ली के अमीर लोग भी मोहल्ला क्लिनिक मांग करने लगे हैं। तो जो लोग वहां पे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए अब जाते हैं, पहले उन लोगों को वहीं पड़ोस में किसी प्राइवेट डॉक्टर के धक्के खाने पड़ते थे। कई बार डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो लूटते हैं। डॉक्टर को पैसे देने को पैसे नहीं होते थे, महंगी महंगी दवाइयां होती थी, टेस्ट कराने पड़ते थे। अब जनता को कितनी सहूलियत हो रही है। एक एक मरीज जो मोहल्ला क्लिनिक में जाता है, वो भाई साहब हमको दिल से आशीर्वाद दे के वापस बाहर निकलता है। वो हमको आशीर्वाद देता है, वो आपको आशीर्वाद देता है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देता है। मैं सोच रहा था पिछले 5 साल में, 5 साल पूरे हो गए अब, 5 साल में हम लोगों ने एक चीज सबसे ज्यादा कमाई है, पुण्य खूब कमाया है। कमाया है कि नहीं कमाया? खूब पुण्य कमाया है। मेरी उम्र 50 साल की है, मुझे लगता है पिछले 5 साल में जितना पुण्य मैंने कमाया है, मेरी जिंदगी के पहले 45 साल में इतना पुण्य नहीं कमाया होगा। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जैसा मैंने कहा कि एक एक मरीज जो मोहल्ला क्लिनिक में जाके बाहर निकलता है, वो दिल से आशीर्वाद देता है। मैं कई मरीजों से मिला हूं, एक एक बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा में होके आ रहा है, उससे बात करके देखो कितनी शीश दे रहा है वो अपने दिल से, अपने दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने इतने वीडियो देखे, टीवी चैनलों पे चला, इतने मैंने लोगों से मिला जो होके आए हैं, इतने खुश हैं, इतने कहते हैं जी हमारे बच्चों ने हमारा इतना ख्याल नहीं रखा जितना दिल्ली सरकार ने हमारा ख्याल रखा। जितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे ही पढ़ते थे अभी तक तो सरकारी स्कूलों में, ये तो अब है लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराने लगे। जितने गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, मैं तो राजनीति में आने के पहले हम लोग एक NGO चलाया करते थे, परिवर्तन नाम से एक समाज सेवी संस्था चलाया करते थे। हमें पता है किस तरह से सरकारी स्कूलों का क्या बुरा हाल हुआ करता था।
कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहता था, वो कहता था यार स्कूल में तो टाइम खराब करेगा, ले काम पे लग जा, कहीं चाय की दुकान पे चाय देने लग जा, कहीं भी इधर काम कर ले उधर काम कर ले, दो पैसे तो घर लेके आएगा। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता था। आज उनके बच्चों का भविष्य तैयार हो रहा है, एक 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 बच्चे का भविष्य तैयार हो रहा है। आप ये सोचो उनके माँ बाप कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। और दोस्तों ये एक एक बच्चे का भविष्य तैयार नहीं हो रहा, ये हमारी भारत माता का भविष्य तैयार हो रहा है। एक 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 ईंट 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 बढ़ती जा रही है, भारत माता का भविष्य तैयार हो रहा है। जितने काम किए अभी तक, जितने अब बिजली के दाम कम कर दिए, 200 यूनिट फ्री कर दिए, 24 घंटे बिजली आ रही है और वो भी फ्री। भाई साहब आप उनके उनके जो लोगों के भावनाएं हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कितने खुश हैं। मेरे को एक वॉलंटियर मिला, बोला जी बिजली सस्ती हुई है तो सबकी हुई, बच्चे अच्छी शिक्षा मिलने लगी है तो सबको मिलने लगी, मोहल्ला क्लिनिक बने है तो सबके लिए बने, मेरे को क्या मिला? एक वॉलंटियर मेरे से पूछ रहा था मेरे को क्या मिला। पहली तो मेरे तुरंत मन में ख्याल आया कि अगर भगत सिंह भी, सुखदेव भी, राजगुरु भी ये सोच लेते यार ये सूली पे चढ़ के हमको क्या मिलेगा, हम क्यों खाम खा अपनी जान दें, आजादी तो सबको मिलेगी, गांधी जी कर लेंगे, हमने हमें क्या पड़ी, ये लगे लगे हुए हैं गांधी जी नेहरू जी, ये कर लेंगे अपना, हम क्यों अपनी जान दें। दूसरा जो सबसे ज्यादा चीज आपको मिली वो मिला लोगों का आशीर्वाद, वो मिली समाज के अंदर इज्जत। आज हमारा आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज के अंदर सर ऊपर उठा के चलता है, आज हमारा आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीना चौड़ा करके चलता है। किसी अगर 10 लोगों की मीटिंग के अंदर लोगों को पता चल जाए ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, लोग इज्जत से देखते हैं उसकी तरफ, देखते हैं कि नहीं देखते, इज्जत है कि नहीं है अपने कार्यकर्ताओं की, चारों तरफ इज्जत ही इज्जत है। ये मिला आपको। आज अगर आप लोग अपने प्रयास से एक बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा पे भेज देते हो, भाई साहब उसका पुण्य आपको लगता है। आज अगर आप एक बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देते हो, उसका पुण्य आपको लगता है। और ये जितना तामझाम चल रहा है अपना, ये सब 5 साल पहले आप लोगों ने खून पसीना बहाया था, 5 साल पहले आप लोगों ने खूब मेहनत करी थी कि एक ईमानदार पार्टी है। कोई सोच भी नहीं सकता था 5 साल पहले कि आम आदमी पार्टी नई नई पार्टी है, इसकी सत्ता बन जाएगी। ये तो आप लोगों का खून पसीना था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और दिल्ली के लोगों को इतनी सहूलियत मिलने लगी। वो सारा पुण्य आपके जिम्मे है दोस्तों। तो कभी मन के अंदर ये भावना बंद ना, मेरे को क्या मिला। और आज मुझे बड़ी खुशी है, यहां जितने लोग बैठे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। आज दिल्ली के अंदर हर वो शख्स जिसने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अपना इलाज कराया वो आपका वॉलंटियर बन चुका है। वो बाहर जाके 10 लोगों को कहता है मैं केजरीवाल के क्लिनिक में इलाज करा के आया हूं। आज एक एक शख्स, एक एक बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा पे होके आ रहा है वो आपका वॉलंटियर बन चुका है। आज एक एक वो माँ बाप जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सब आपके वॉलंटियर बन चुके हैं। आज एक एक शख्स जिसका बिजली का बिल 0 आ रहा है दिल्ली के अंदर, पिछले महीने 14 लाख परिवारों के 0 आए हैं, दिसंबर आते आते 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल 0 आएंगे, वो सारे आपके वॉलंटियर बन चुके हैं। ये सारे आपके वॉलंटियर बन चुके हैं। तो 5 साल पहले जो हम चले थे, आज यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, आप लोग आज अपना परिवार इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, इसकी बेहद खुशी होती है। और जैसे जैसे ये परिवार बड़ा बनता जाएगा हम और बड़े काम करेंगे, और बड़े काम करेंगे, अपनी भारत माता के लिए
अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आज से 3-4 साल पहले तक कोई सोच सकता था कि डेंगू के ऊपर जीत पाई जा सकती है? कोई सोच सकता था कि डेंगू को हराया जा सकता है? भाई साहब, 2015 में 15,500 केस हुए, अभी पिछले हफ्ते तक 350 केस हुए। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।